आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे। दिल्ली के स्पेशल सीपी ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस खाता केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम उत्तरी बहारी जिले के डीसीपी गौरव शर्मा, जिले के कई पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में किया गया, जिसका मकसद लोगों को सुविधा पहुंचाना और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना है। पूरी दिल्ली में ऐसा दूसरा पुलिस सहायता केंद्र है जिसमें 24/7 यानी कि 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी और पब्लिक किसी भी तरीके की समस्या यहां आकर बता सकती है। ऑनलाइन कंप्लेंट भी की जाएंगी। उत्तरी बहारी जिले के नरेला में आज पुलिस के एक अनोखी पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन दिल्ली के स्पेशल सीपी द्वारा किया गया, जिसमें विशेष सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 6 रियल टाइम कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें पिछले एक महीने तक की रिकॉर्डिंग सेफ रहेगी और साथ ही साथ पूरे इलाके में सीसीटीवी कंट्रोल रूम द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ साथ सहायता केंद्र में कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी तकलीफ या समस्या को लेकर आ सकता है, चाहे वो चोरी की हो या फिर किसी अन्य तरीके की आपराधिक, उस समस्या को यहाँ पर सुना जाएगा और ऑनलाइन कंप्लेंट भी यहीं पर दर्ज कराई जाएंगी। देखिए दिल्ली से खास रिपोर्ट। हमारी पूरी टीम आपका दिल से आदर करती है सर। उसके अलावा घनश्याम मंजल सर और धीरेन्द्र सर, आपको भी हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पीछे जो भी सुरक्षाकर्मी मौजूद है, जो हमारी प्रहरी स्कीम के सदस्य हैं, जो कहीं ना कहीं हमें डे टू डे पुलिसिंग में जो मदद करते हैं, आप सब लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। उसके अलावा नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से आमंत्रित जो भी गणियां हम उपस्थित है, आप सब तो वहां पर ले जा सकते हैं। हमने वहां पर एक गेट्स कॉर्नर बनवाया है। कभी होता है कि अफसर अंदर है, अवेलेबल नहीं है, तो किसी को वेट करना पड़े, प्रॉपर वेटिंग रूम यहाँ पे बना गया है। जो वहां पे पुलिस कर्मचारी है, आसपास की सोसाइटी के लोग हैं, वो वहां पर एक छोटा सा जिम हमने बनवाया है, उसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। वो ओपन जिम है, वहां पर किसी पे आने जाने की रोक नहीं है। जन जागरण का आदमी भी वहां पर आकर व्यायाम कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। एक छोटा सा हमने मेडिटेशन एरिया भी वहां पर बनाया है। और इन सारी चीजों को जो हमने बनाने की कोशिश, माहौल थोड़ा खुला होने लगता है, इलाका थोड़ा खाली लगने लगता है और एक आपको फीलिंग आती है कि हाँ, आप एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ हवा स्वच्छ है, साफ है। तो कहने का मकसद यह है कि मैं आप लोगों के बीच आज आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे इस बात का खेद है कि कार्यक्रम को थोड़ा विलंब करना पड़ा। उसके दो कारण थे। एक तो आज मौसम थोड़ा सा बेईमानी कर रहा था, तो हमें लगने लगा कि शायद बारिश ना हो जाए, तो डीसीपी साहब ने बताया कि हमें लास्ट मिनट वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, जो हमारे स्पेशल सीपी साहब हैं गोलचा साहब, उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनके द्वारा एनफोर्स नहीं हो पाती चीज़, वही एनफोर्स अधिक हो पाती है जहाँ पे कि समाज या जो लोग इन्वॉल्व हैं वो आकर साझा हों और वो एग्री करें कि हाँ भाई, ये जो जो आपके सुविधा के स्टेप्स लेने हैं या ये जो कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करनी है, ये हमारे पक्ष में है, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, काफ़ी शाम हो गई है, प्रयास था कि थोड़ा ये कार्यक्रम दिन के टाइम पर होता। मैं फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने सारे लोगों का, जो इतनी, आज ठंड भी हो गई है, मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया है, उसमें आप आए हैं और आपने इतना इंटरस्टेट बस टर्मिनल, जैसा कि कश्मीरी गेट में, आनंद विहार में है, ये सब भी इस एरिया के अंदर एक बड़ी चुनौती होंगे। इन चुनौतियों के मद्देनजर और इस पुलिस वीक की अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आज हमने इस पुलिस सहायता केंद्र का, पब्लिक सहायता केंद्र का जो उद्घाटन है वो किया है, जो जॉइंट सीपी साहब के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। भविष्य की चुनौतियों से पार पाने के लिए ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको इससे अवगत कराने के लिए बुलाया गया है। इस पब्लिक फैसिलिटेशन कियोस्क में सुविधाओं के तौर पर EFIR, NCR, ये सारी तमाम तरह की जो छोटी मोटी शिकायतें हैं वो दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको इसके लिए थाने नहीं जाना पड़ा करेगा।
इसके अलावा यहां पर 6 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं जिनके अंदर एक महीने से भी ज्यादा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है। यानी कि हाईवे से आने वाली और जाने वाली जितनी भी गाड़ियां इस क्रॉसिंग से होके निकलेंगी उन गाड़ियों की एक रियल टाइम रिकॉर्डिंग हमारे पास एक महीने से भी ज्यादा अवधि की राह करेगी। यहां तक कि उनका जो नंबर प्लेट देखने का भी सुविधा है वो भी इस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर मौजूद रहेगा। और तो और जैसे आपने देखा है कि ये जो क्रॉसिंग है ये काफी खाली स्ट्रेच रहा है अब तक, तो इस सहायता केंद्र के बाद यहां पर 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रहेगी और जो हमारी मोटरसाइकिल ईआरवी क्यूआरटी जो गश्त करा करती है वो गश्त करने के दौरान यहां पर आकर अपना होल्डिंग पॉइंट भी रखेगी जिससे कि आते जाते वाले किसी भी रह गुजर को कोई यहां पे कोई भी आदमी किसी तरह की पुलिस की मदद चाहता हो तो उसको किसी भी समय वहां पर पुलिस का कर्मी तैनात मिले। क्रॉस सेक्शन पे है तो निश्चित तौर पे एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बनाया है। मैं आपके पास आने से पहले उसका विधिवत इनॉग्रेशन करके आया हूँ और उसको मैंने देखा है। तो जैसा कि मैं अभी आपसे मुखातिब होने से पहले प्रेस वालों से बात कर रहा था कि ये एक पुलिसिंग एट योर डोर स्टेप उसकी दिशा में एक कदम है जिसमें कि वो व्यक्ति जिनके कि क्राइम उस पर्टिकुलर डिवीजन में हो रहे हैं जिसके कोई समस्या उस डिवीजन में आ रही है उनको छोटी मोटी समस्याओं के लिए थाने तक जाने की आवश्यकता नहीं है और वो जो डिवीजन कियोस्क है उसके अंदर ही अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ये एक बहुत ही अनूठी सोच है डीसीपी की एडिशनल डीसीपी की जो जिले के हैं जिसको कि इन्होंने क्रियान्वित किया है और जो मेरे को मेरे साथ बैठे हुए गाड़ी में डीसीपी साहब बता रहे थे कि इस पूरे चीज़ को अंजाम देने में तो तमाम जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उनका भरपूर योगदान रहा है। उसके लिए मैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जब इस जिले का डीसीपी होता था तब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना नहीं था, तो जब मैंने जब रेंज का चार्ज लिया और जब मैंने पहली विजिट की नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में तो तब मुझे बताया गया कि जो नया थाना बना है उसके बनाने में जो सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उन लोगों का जो योगदान है। और अभी मैंने हाल में विजिट किया जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मुझे SHO साहिबान और ACP साहिबान दोनों विशेष आग्रह पे अपने थाने में लेके आए और मैंने रियलाइज़ किया कि इन्होंने पिछले 1-1.5-2 महीने में थाने का पूरा ही कायाकल्प कर दिया है, उसका पूरा ही चेंज कर दिया। मुझे नहीं पता आप में से कितने रेगुलरली पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन मैं पिछले एक साल में जो मैंने देखा है कि हाल में जो थाने का इन्होंने पूरा एक तरीके से नक्शा बदल दिया है उसके अंदर भी मुझे उसमें भी मुझे आपके ACP नीरव पटेल और SHO जो अरविंद हैं उन्होंने बताया कि आप लोग सबका जो है उसके अंदर भरपूर सहयोग मिला है। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक हमारी रिस्पांस है आपके प्रति, जितना मेरा पिछले एक साल का अनुभव है यदि आपको जानकारी दूँ मैं कि न सिर्फ आउटर नॉर्थ जिले में जो कि जिले में मैं खड़ा हूँ अभी बल्कि मेरे रेंज के तीनों जिलों में ही पिछले पूरे वर्ष में जो है क्राइम उसके पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कम रिकॉर्ड किया गया जो कि अपने आप में खुशी की बात है। पुलिस वीक बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक अनूठी पहल करी है। यहाँ पर हमने एक पुलिस फैसिलिटेशन कियोस्क बनाया है। यहाँ पर आज की डेट में कोई भी पब्लिक का आदमी बिना थाना जाए अपनी शिकायत दे सकता है, अपनी कोई भी और FIR है, कोई उनकी चोरी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो लिखवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक CCTV कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किया है जिसके अंदर 6 रियल टाइम कैमराज हैं जिनकी रिकॉर्डिंग की पोटेंशियल जो है एक महीने से ज़्यादा की कैपेसिटी है और हम किसी भी गाड़ी का नंबर तक रीड कर सकते हैं उन कैमरे की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉल्टिंग पॉइंट रहेगा जिसमें 24/7 पुलिस की प्रेजेंस रहेगी। जितना भी हमारा पेट्रोलिंग व्हीकल है वो यहाँ पर इंटरमिटेंटली हॉल्ट करेगा और यहाँ पर किसी भी समय में कोई वारदात हो उस चीज की पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे टैकल करेंगे। तो कहीं आउटर नॉर्थ में कहीं ऐसे प्रयास और भी अभी ये दिल्ली में अभी ये दूसरा ही इस तरह का कियोस्क है। पहला जैसा कि आप सब लोग जानते हैं खान मार्केट के अंदर है, ये उसी लाइन के ऊपर हमने नॉर्थ जोन पुलिस के अंदर ये हमने पहला इस तरह का क्रिएट किया है। हमारे जो डिफरेंट डिविजन होते हैं थाने के अंदर उसमें जनरली अभी तक
किसी भी डिवीज़न के व्यक्ति को शिकायत है उसको पुलिस स्टेशन जाकर डिवीज़न अधिकारी को वहीं मिलना पड़ता है। यहाँ पर एक प्रयास किया गया है डीसीपी आउटर नॉर्थ के द्वारा जिसमें कि डिवीज़न ऑफिसर को उसके डिवीज़न के अंदर ही स्थापित किया जाए जिससे कि व्यक्ति को थाने तक न जाना पड़े और अपने ही नज़दीक में वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सके। सर बाहरी दिल्ली है कहीं ना कहीं क्राइम करके निकल जाते थे सॉरी तो इससे भी डर रहेगा कहीं ना क्रिमिनल में। इसमें जो इन्होंने एक अच्छी बात की है कि जहां यहां पे एक डिवीज़न बूथ बनाया है साथ साथ इन्होंने सीसीटीवी कैमरे से जो अप्रोच रोड्स हैं जो मेन अप्रोच रोड्स हैं जो नेशनल हाईवे 1 की तरफ जाती है उनको हाई डेंसिटी कैमरे से कवर किया है जिससे कि अगर कोई वारदात होती है तो अगर हमको पीछे की किसी रिकॉर्डिंग को देख के और उससे हमें कोई क्लूज निकालने हो तो निकालने में मदद होगी। रियल टाइम में भी हम यहाँ से एक जगह पे बैठ के एक व्यक्ति जो है पूरे चौराहे को 6 के 6 रोड्स जो चारों रोड्स हैं उनको मॉनिटर कर सकता है तो इससे एक तरीके से उसका एफर्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और एक सिंगल आदमी जो है 4 रोड्स को कवर। ऐसे बूथ और भी खोलने की ज़रूरत है सर? निश्चित तौर पर ऐसे और ज़रूरत है। निश्चित तौर पर ज़रूरत यह है कि जो व्यक्ति है जिसको शिकायतकर्ता जो है उसको कम से कम दूरी और कम से कम दिक्कत से वो पुलिस को अपनी सहायता के लिए अप्रोच कर सके और